Very good. Blah, blah. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दिन के बाद मतलब पूरी रात मेरी ऐसी गई, कुछ शूट नहीं किया मैंने, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। और उसको ज़्यादा बेटर बनाने के लिए जैसे ही मैं मिस्टर शर्मा के ऑफिस वाले कमरे में आई तो टेबल पे मुझे चींटियाँ दिख गई, तो मैं अपने आप से ही एक्टिव हो गई और साफ़ सफाई में लग गई। एंड ये जो मेरे हाथ में है ये पेन स्टैंड है जो मैंने मिस्टर शर्मा को गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे। हमारी शादी के बाद वो शायद उनका दूसरा बर्थडे था जो मैंने ये पेन स्टैंड और एक वॉच उनको गिफ्ट की थी। बहुत ही प्यारी पिक्स है इस पेन स्टैंड में, बहुत स्पेशल पिक्स हमारी। एंड बस उसके बाद मैं उन्हीं का ये टेबल जो है इसको पूरा सेटअप कर रही थी अच्छे से साफ़ करके। आई थिंक रात को कुछ खाया होगा तो वो रह गया था। और चींटियों से ना बहुत डर लगने लगा है मुझे, क्योंकि एक बार ना मिस्टर शर्मा का एक लैपटॉप, पूरा लैपटॉप चींटियों ने ख़राब कर दिया था। वो पूरे लैपटॉप के अंदर घुस गई थी और लैपटॉप के पूरे कीबोर्ड जो थे वो ख़राब हो गए थे। तो बस इसीलिए फिर मैं फटाफट इसी को सेट करने में और साफ़ करने में लग गई। और मैंने लास्ट डे डबल डोज़ ले लिया था एक्चुअली दवाइयों का, क्योंकि दर्द बहुत था मुझे, तो मैंने डबल डोज़ ले लिया था और सिकाई भी कर ली थी। तो दर्द में भी काफ़ी आराम था, हल्की हल्की सेंसेशन थी लेकिन पेन मेरा ठीक हो गया था। हाँ, लेकिन मेरी स्पीड काम करने की थी जो वो कम हो गई थी, मैं बहुत स्लोली काम कर पा रही थी। और फाइनली दिन का पहला टारगेट हो गया अचीव, ये टेबल हो गई है सेट। और ये देखिए मेरी जान, मेरा लड्डू शोई कर लें यहाँ पे शो गया है ना गब्बू मेरी जान। तो आज मैंने अपना ये स्पाइस रैक धो दिया है अच्छे से और अब ये सारे सूख जाएंगे। तो आज अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से इसको यूज़ करूँगी यार, क्योंकि ना पहले क्या था जब मैंने बंद किया था तब बारिश हो रही थी तो चीज़ें ख़राब होती थी, अब मौसम सही है तो मैं दोबारा इनको यूज़ करूँगी। तो ये धो के सुखा दिया मैंने बाकी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। मैंने अब नहा लिया है और मुझसे पहले आज मैंने दर्श को नहलाया क्योंकि वो सो भी गया है, और कल मैं उसको नहीं नहला पाई थी ना तो बहुत ही वैसा लग रहा था, तो मैंने आज उसको सबसे पहले नहलाया है उठ के, अपना पहला काम। अब मेरा हाथ काफ़ी हद तक ठीक है, कल के मुताबिक तो बहुत ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ। दर्श को भी थोड़ा बहुत उठा ले रही हूँ, काफ़ी काम कर पा रही हूँ। कल तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल जाम हो गया था। आज मैं बस हैवी काम, बड़ी भारी काम जो इसमें हाथ को ज़्यादा उठाना पड़ता है वो सब नहीं कर रही हूँ, बाकी मैं कर पा रही हूँ। तो मैंने भी नहा लिया है और आज वो धो दिया है मैंने अपना स्पाइस रैक, तो उसको यूज़ करूँगी तो मेरा प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली हो जाएगा, दोबारा पहले की तरह हो जाएगा अच्छे से। और अभी देखो, अभी मैं आई हूँ किचन में, अपने लिए बना रही हूँ चाय और दिन में आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। मिस्टर शर्मा ने अपने ओट्स भिंगा दिए हैं और इसमें दूध कम पड़ रहा है मेरे को लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा दूध और डाल के रख देती हूँ। हाँ करते हैं काम, बाय बाय बाबा। शनय भरे को लुक जाना रे, नींद आँखों में आई बेटा मेरा सो जाए। तो इट्स टाइम कि अपने स्पाइस रैक को किया जाए दोबारा से सेटअप। पूरा अच्छे से सूख गया था, बस जो बॉटल्स थी उनमें थोड़ी थोड़ी नमी थी, तो मैंने उसको अच्छे से टॉवल से पोंछा सबको और लगाने लगी हूँ अब धीमे धीमे एक एक करके। तो पूरा सेट कर लिया है मैंने। तो हमारा स्टैंड हो गया है तैयार, देखिए
बहुत प्यारा रैक था यार ये। अब ये वाले अंदर ही रखे हुए हैं अभी स्लॉट्स, उसमें है मसाले जो सही थे वो मैंने रखे हुए हैं, वो भी लगा दूंगी। बहुत अच्छे से सारी स्पाइसेस आ जाती हैं इसमें। फाइनली अभी क्विक आ गई है और अब मैं जो दर्श का सैंडल का ये रैबिट निकल गया था ये लगाने वाले, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं इसको निकले हुए। दो बार तो मैं ऐसे ही उसको सैंडल्स पहना के ले गई हूँ बाहर की, देख के मुझे याद रहेगा, फिर भी याद नहीं रहता था, तो इसको याद से लगा लेते हैं, नहीं तो ये फिर दिमाग से निकल जाएगा। ये रहा इस सैंडल का रैबिट, ऐसे लगाएंगे इसको, इसमें लगाओ, इसमें लगाएंगे अभी। सो फाइनली हमारे सैंडल्स हो गए हैं रेडी। रैबिट रैबिट हमारे घर में गाजर के दो दीवाने हैं। मेरे को खाना है।